नमस्कार दोस्तों, 21 दिन ही क्यों? 21 दिन का मतलब इसलिए है क्योंकि 21 दिन में हमारे सेल रिन्यू हो जाते हैं। तो कोई भी काम अगर हम 21 दिन तक करते हैं तो हमारे शरीर में वो आदत बन जाता है। जैसे कि सुबह उठने की आदत है, किसी भी काम को करने का आदत है, आपको चाय पीने की जो तलब लगती है, पढ़ने का जो मन करता है, ये सब एक आदत है। और हम में से ज़्यादातर लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि हम कोई भी नया काम करते हैं तो हम लोग उसमें बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि एक तरीके से मैग्नेटिक रिपेल होता है, हमें उस चीज़ को करने की इच्छा नहीं होती है। जैसे पढ़ने की अगर बात करें तो किताब ऐसा एलर्जी करता है, किताब इतना ज़्यादा मैग्नेटिक रिपेल करता है कि कोई विश्वास नहीं कर सकता। जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, मैं सही बता रहा हूँ, हार्डली घड़ी देख के 5 मिनट पढ़ता था, फिर कुछ और ध्यान में आ जाए कि वो काम करना है, ये काम करना है, इसको करना है, उसको करना है, उसके बाद 5 मिनट के बाद लगे कि यार इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा, वो इतना पढ़ना है, कैसे सिलेक्शन होगा, किताब बंद कर दिया और कुछ और करने लगे, जो भी एक्स वाई जेड काम करने लगे। वहाँ से यहाँ तक का सिलेक्शन का जो सफ़र है, उसमें क्या क्या मैंने अपने अंदर चेंजेस किए, वो ही मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक आपकी आदत नहीं बनेगी पढ़ाई की, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपटीशन है। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि आप अगर बाकियों से ज़्यादा तेज हैं, ज़्यादा फास्ट हैं, तभी आप जीतेंगे। यहाँ हर कोई नहीं जीत सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर 100 सीटें हैं तो सिर्फ 100 लोग ही जीतेंगे, और वो 100 लोग कौन होंगे? जो 1000 की भीड़, लाख की भीड़ में जो सबसे आगे 100 लोग होंगे वही जीतेंगे। तो उसके लिए हमें अपने अंदर पढ़ने की हैबिट बनानी पड़ेगी। और अक्सर ये चीज़ है कि मतलब मैक्सिमम बच्चे उस हैबिट को नहीं पकड़ पाते हैं कि कैसे हमें वो हैबिट डेवलप करना है। तो देखिए, कोई भी काम, दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है एक्सपर्ट और एक होता है स्टार्टिंग वाला। हम डे वन को ही एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है हमारी। इस चीज़ को समझिएगा, हम आज अगर कोई भी साइकिल चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, जैसे छोटा बच्चा ही है, मेरा छोटा बेटा है, वो अभी कुछ दिन पहले चलना सीखा है, तो अभी वो दौड़ नहीं सकता है, वो दौड़ेगा तो गिर जाएगा। तो धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट डे के लिए अपना टारगेट इतना बड़ा बना लेते हैं कि आज हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है, आज ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसके बाद, और मुझे लगना चाहिए कि मेरा तैयारी हो चुकी है। नहीं, ये तैयारी लगभग 7 से 8 महीने की है। तो 8 महीने का मतलब होता है 240 दिन। 240 दिन की पढ़ाई आपको 21 दिन के बाद, 24 दिन के बाद ही समझ में आएगा कि कुछ फ़र्क पड़ा है। जैसे मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा वज़न कम करूँ अपना, कुछ हेल्थ इशूज हो रहे हैं, तो अब मैं 2 दिन जिम जाता हूँ। 2 दिन जिम जाने के बाद वेइंग मशीन पर 3 बार खड़ा होकर चेक करता हूँ कि कितना वज़न कम हुआ। कुछ वज़न कम नहीं होता, कभी कभी वज़न बढ़ ही जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो समय, पर्याप्त समय चाहिए, वो मैं समय नहीं दे रहा हूँ। वो चीज़ मैं बिना किए हुए, जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है, ठीक है बनती है, लेकिन अगर आपको चावल बनाना है तो उसमें कम से कम 10 मिनट समय लगेगा। आप उसको हर 1 मिनट के बाद चेक करेंगे कि चावल बना कि नहीं बना, और बोलेंगे यार चावल लगता है कि नहीं बन पाएगा, मेरे किस्मत में नहीं है चावल खाना आज, और इस तरीके से 50 नेगेटिव बातें सोचेंगे। वही हम करते हैं पढ़ाई के साथ। हम डे वन को इतना बड़ा टारगेट बना लेते हैं कि 10 मिनट में हमें वो बड़ा टारगेट पहाड़ दिखने लगता है और हम हिम्मत हार जाते हैं। अभी कुछ बच्चों के साथ मैंने ये चीज़ स्टार्ट किया है और उनका देखा मैंने, धीरे धीरे करके उनके टेस्ट में मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, सब कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं। आप डे वन और डे टू और डे थ्री का टारगेट बहुत छोटा बनाइए, इतना छोटा टारगेट बनाइए कि आपको आज सिर्फ 2 पेज पढ़ना है। इतना टारगेट बनाइए, 2 पेज पढ़ना है। हो सकता है कि आपको लगे कि यार अब 100 दिन बचा एग्जाम में, कैसे सफल हो पाऊंगा, 80 दिन बचा है कैसे सफल हो पाऊंगा। नहीं, उस पे मत जाइए। आपका बस जो टारगेट होना चाहिए कि आज मुझे 2 पेज पढ़ना है और 2 पेज को अच्छे से समझना है, यही माइंडसेट होना चाहिए। एग्जाम क्या है, कितना बड़ा सिलेबस है, एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस, ये सब भूल जाइए। बस मेरा आज का टारगेट है इन 2 पेज को पढ़ना। आप वैसे करके फर्स्ट डे का टारगेट अचीव कीजिए। आपको देखिए, दोबारा शाम को मन करेगा कि 2 पेज का और टारगेट बनाओ, नहीं मन करेगा नहीं पढ़िए। अगले दिन का टारगेट बनाइए, मुझे आज 1 चैप्टर पढ़ना है, कोई भी 1 चैप्टर पढ़ना है, और यही मेरा एम है, यही मेरा फाइनल एम है, मुझे यहीं पे सिलेक्शन लेना है। मतलब समझ लीजिए, यही 1 चैप्टर ही सब कुछ है मेरे लिए। ये नहीं सोचिए कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ अपने आप को कि यार 1 चैप्टर से क्या होगा और ये 2 चैप्टर से क्या होगा और इस तरह से करके। नहीं, आपका एम होना चाहिए कि नहीं, मुझे आज के डेट में यही मेरा टारगेट है, यही मेरा आज का सब कुछ है, मुझे इतना ही अचीव करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो देखिए, धीरे धीरे करके आप सफल हो जाइएगा। जीवन की रेस में वो जो कहानी है पंचतंत्र की, बहुत ही उसका गहरा मतलब है। हमेशा कछुआ जीतता है, खरगोश नहीं जीतता है। जो आदमी बहुत फास्ट रहता है, मेरे स्कूल
में जो बच्चे बहुत तेज थे, बहुत फास्ट थे, मुझे लगता था इतना होशियार है, ये है वो है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सब आज असफल होंगे, लेकिन मोस्टली जिनसे मैं कॉन्टैक्ट में हूँ उनमें से कई लोग असफल हैं। कुछ ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि वो बहुत तेज भाग रहे थे। नहीं, उतना तेज भागने की जरूरत नहीं है, ग्रेजुअली अपना स्पीड बढ़ाइए, लेकिन ग्रेजुअली बढ़ाइए, कछुआ बनिए। कछुआ पूरी रेस में कहीं नहीं रुका। जो लोग अभी भी पढ़ाई में कुछ करना चाहते हैं तो वो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि मुझे आज छोटा टारगेट बनाना है और ये मुझे 21 दिन तक कंटिन्यू करना है बिना किसी गैप के। आपका एक चैप्टर से ज़्यादा आपको उबासी आने लग रही है तो आप एक चैप्टर ही 21 दिन तक पढ़िए, देखिए 22वें दिन कैसा चमत्कार होता है। 22वें दिन आपको किताब से अट्रैक्शन होने लगेगा, किताब को आपको मन करेगा कि जब मैंने ये पढ़ा कि गांधी जी आए तो क्या हुआ, तब मुझे जानना है गांधी जी ने कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया। वो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आने लगेगा कि मानसून की बारिश कैसे होती है, ऐसा क्या होता है पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में, कि एकाएक बारिश होने लगती है, ऊपर से पानी गिरने लगता है, कैसे पहाड़ बने, आपके आसपास जो पहाड़ है कैसे पहाड़ बने, क्या होता है, क्यों किसी चीज़ का रेट महंगा हो जाता है, जो सामान 10 रुपये का मिलता था आज 15 रुपये का क्यों मिल रहा है, क्यों नहीं सरकार नोट इतना छाप देती है कि हर कोई अमीर हो जाए। इन सब चीज़ों में क्यूरोसिटी लाइए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए, आपको मज़ा आएगा। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को अगर आप बर्डन लेके करेंगे कि इतना पढ़ना है, इतना याद करना है, मुझे एक बच्चे ने मैसेज किया कि सर इतना कैसे याद कर सकते हैं, ये तो असंभव है। मैंने कहा हाँ ये असंभव है, कोई इतना नहीं याद कर सकता। आप शुरू में ही आप सब कुछ क्यों सोचने लग रहे हैं कि इतना सब्जेक्ट है, इतना सिलेबस है, इतने लोग हैं, कैसे होगा। नहीं, आप उतरिए, आप उस पानी में उतरिए, देखिए कैसे आप अपने आप तैरना सीख जाते हैं। पहले आप 3 फीट वाले पानी में उतरिए, 4 फीट वाले पानी में उतरिए, फिर देखिए कैसे आप समुंदर पार कर जाएंगे। हौसलों से ही आप क्या क्या कर लेंगे, लेकिन आप उसको पहले बहुत बड़ा पहाड़ बना के रखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, आपको बार बार ही बताना चाहता हूँ, कि जब पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटे टारगेट्स लीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्योंकि एक चीज़ मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूँ, मैं फिर आज रिपीट करूँगा, कि असफलता का बोझ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, असफलता का बोझ बहुत कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको कैरी करेंगे ना, वैसे वैसे वो भारी पड़ता जाएगा। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी उम्र 34 साल हो चुकी है और मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, और एकाएक समझ में आया, किसी ने बताया कि नहीं बिहार सरकार में SDM बनने के लिए 37 एज है, तो मुझे लगा कि नहीं, अब अपना जितनी हिम्मत है, जितनी ताकत है, सब कुछ झोंक देना है। फिर ये काश नहीं रहे जीवन में कि काश कोशिश नहीं किया, और उतनी मेहनत से कीजिए, मेहनत एक बार में सफलता मिलेगी। मुझे बहुत परेशानी हुई, एक दो नहीं हजारों परेशानियां हुई, और हो सकता है आपको उससे ज़्यादा परेशानी हो, लेकिन मैं अक्सर यही चीज़ कहता हूँ कि जब आपके सामने एग्जीक्यूट करना आ जाएगा तो आप एक्सक्यूज भूल जाएंगे। किसको सुनाता मैं अपने को, क्योंकि मैंने खुद से डिसाइड किया था। वो सिचुएशन ऐसा था जब सब लोग मेरे अगेंस्ट थे कि शादी हो चुकी है तुम्हारी, अब तुम BPSC की तैयारी कर रहे हो, इस जॉब के इस लेवल पे आके BPSC की तैयारी कर रहे हो, उम्र के इस पड़ाव पे आके BPSC की तैयारी कर रहे हो, रोल मतलब लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, और फिनांशियली भी प्रॉब्लम होने लगा, सैलरी रोक दी गई थी मेरी, और इतना ज़्यादा मतलब क्राइसिस से गुजरा, कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मेरे बार बार मन में ये था कि नहीं, इस बार हिम्मत नहीं हारना, अब इस बार हिम्मत हार गया तो फिर दोबारा कोशिश कब करूँगा। और मुझे बुरा लगता है उन लोगों के लिए जिनकी उम्र सारे से गवर्नमेंट जॉब के लिए निकल चुकी है, अब वो मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे काश आप पहले मिल गए होते और मुझे पहले बता दिया होता। तो जिनकी भी जिनका भी एज और अटेम्प्ट बचा है, इस बार हिम्मत नहीं हारी। क्योंकि मैं रुई का एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर हाथ में आप रुई लेके खड़े हैं तो रुई का वजन नहीं है, लेकिन इस तरह से हाथ जब किए रहेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट के बाद पूरा शरीर कांपने लगेगा, 15-20 मिनट में तो पूरा शरीर से पसीना आने लगेगा। रुई का वजन नहीं है, इस तरह से इस चीज़ को ढोने का वजन है। तो हार को ढोने का वजन, उस क्या कहते हैं, कुछ अचीव करने का, और जीवन में आए और कुछ अचीव नहीं किया और चले गए इस भीड़ का हिस्सा बन के, तो कोई मतलब नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि जिस दिन आंखें बंद होती हैं, लास्ट 5-10 मिनट में पूरा जीवन रिवाइंड होता है और आदमी को उस वक्त समझ में आता है कि काश ये गलतियाँ क्यों किया मैंने। तो इसलिए जितना अगर आपके पास एम है, कोई ड्रीम है और समय है अभी कि ड्रीम को परस कर सकें, तो ज़रूर परसू कीजिए। और एक ही सीक्रेट है सब चीज़ का, मेहनत करना। मेहनत के सामने भगवान ऊपर वाला आपकी किस्मत बदल देता है, मैंने देखा है अपने लाइफ में। बस इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए कि आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन हो जाए कि यार अगर अब नहीं हुआ तो मुझे ये टीस नहीं चुभेगी कि मैंने कोशिश नहीं किया।
एक बार उतनी मेहनत करके देखिए, कैसे कैसे नहीं किस्मत बदलेगी मुझे बताइएगा। चलिए, तो अच्छा लगा आज बात करके। जो लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को, एक बार अपने अंतरात्मा से ज़रूर पूछिएगा कि क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ। ये जीवन बहुत दिनों के बाद मिला है। हिंदी, अगर हिंदू मैथोलॉजी से करें तो कितने 84,000 करोड़ जीवन के बाद ये जीवन मिलता है। और हर मैथोलॉजी में बहुत कष्ट, ऐसा नहीं है कि ये मोबाइल है जो टूट गया तो दोबारा खरीद लेंगे। जीवन है, एक बार टूट गया तो फिर टूटे हुए में जीना पड़ेगा, बिखरे हुए में जीना पड़ेगा, और वो आखिरी दिन तक वो टीस लेके जीना पड़ेगा। मेहनत कीजिए, देखिए सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, बाय।